हेलो ट्रेडर्स वेलकम टू आई चैनल डेटा फॉर ट्रेडर दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ अप स्टॉक ए पी सीरीज ये बहुत ही मोस्ट अवेटिंग पार्ट है क्योंकि जब से मैंने पार्ट वन क्रिएट किया है वहाँ से मेरे को क्वेरी मिल रही थी कि कैसे हमें ए के आई लॉग प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आज की वीडियो में कैसे हम ए के आई लॉग को ऑटोमेट कर सकते हैं बिफोर गोइंग एट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट वन जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आप मैनुअली एक्सेस टोकन जनरेट करते हो एंड पार्ट फोर जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे आप टी टी टोकन जनरेट करते हो ये दोनों पार्ट आप जरूर देख लेना क्योंकि इनिंग कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया है आज की इस वीडियो में ओके वीर सेंग ऑटोमेटिक लॉग इन प्रोसेस दैट्स मीन कि अपने को बेसिकली एक्सेस टोकन जनरेट करना है एक बार हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा फिर हम कोई ए पी कॉल कर सकते हैं जैसा कि अगर आपने अपना कोड खुद लिखा हुआ है रेस्ट ए जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियसली फोर वीडियो में अगर आपने अपनी ए खुद लिखी हुई है वहाँ भी आपको एक्सेस टोकन चाहिए ही चाहिए इवन जो आप स्टॉक की लाइब्रेरी है यू कैन चेक हियर जहाँ पे भी आपको एक्सेस टोकन मैनुअली एंटर करना पड़ता है ओके यू कैन सी सीयर कन्फिगेशन डॉट एक्सेस टोकन इज इक्वल टू योर एक्सेस टोकन यहाँ भी आपको एक्सेस टोकन चाहिए तो दोनों ही केसेस में आपको एक्सेस टोकन जनरेट करना ही है सो वे एवर आई एम सेंग की ऑटोमेट लॉग इन प्रोसेस बेसिकली इसका मतलब बैस यही है कि कैसे एक अपने एक्सेस टोकन को ऑटोमेट करना है ओके okay? अब ऑटोमेट करने का मतलब क्या है कुछ पार्ट इसमें मैनुअली है अब वो पार्ट है क्या तो अगर आपको पार्ट वन याद होगा जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे लॉग इन कर दें तो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले आपने ए पी आई की सिकेरेट की लेके एक यू जनरेट करनी पड़ती है ओके यू कैन सी दिस यू और फिर इस यू को हम हिट करते थे ब्राउजर में ओके आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी दिस थिंग और फिर मैं यहाँ पे एक ओपन करता हूँ ब्राउजर और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके आफ्टर हिटिंग दिस यूर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पेज और यहाँ पे अपने को नंबर एंटर करना पड़ता था फिर ओ टी पी तो ओ टी पी हमने सॉल्व कर दिया टी ओ टी पी से एंड थर्ड स्टेप था अपना सिक्स डिजिट पिन जो कि फिक्स होता है तो ये तीन स्टेप के बाद अपने को यहाँ पर मिलती थी एक कोड और इस कोड को हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करते थे एंड जेनेट करते थे एक्सेस टोक इस कंप्लीट प्रोसेस मैनुअल क्या था इस यूआरएल को ओपन करना ब्राउजर में और फिर वहाँ पे आईडी पासवर्ड एंड टी uh, ओ टी पी एंटर करना इस काइंड ऑफ प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए अपने को चाहिए ऑटोमेशन टूल और बहुत ही एक फेमस टूल है आपने सुना भी होगा सेलेनियम बट मैं सेलेनियम यूज नहीं करूँगा उससे बेटर एक ऑप्शन हमारे पास है प्ले राइट ओके तो बेसिकली हम यूज करें मैंने एज प्ले राइट और प्ले राइट यूज करके हम बेसिकली जो हम मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये ब्राउजर वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीटली इसको हम ऑटोमेट कर लेंगे तो लेट्स सी हाउ वी कैन इंस्टॉल प्ले राइट एंड ऑटोमेट आवर प्रोसेस ओके मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्ले राइट को आप अपने इन इनको भी एक्सप्लोर करो एंड यू कैन यूज देयर पाइथन डॉक्यूमेंटेशन ओके अगर आप पाइथन में कोडिंग कर रहे हो तो एन यू कैन ऑल्सो यूज इन जावा एंड आई थिंक डॉट नेट नोट जीअस बट हमें यहाँ पे पाइथन को फोकस करना है ओके सो पाइथन में कैसे इंस्टॉल करना है इसके लिए आप यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हो ओके सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन राइटिंग टेस्ट रनिंग टेस्ट तो अपने को यहाँ पे जाना है दिस वन गेटिंग स्टार्टेड ओके जस्ट क्लिक हियर आई एम एजूमिंग कि पिप तो आप में इंस्टॉल होगा ही एंड यू कैन ऑल्सो अपडेट अगर आपको तो चाहिए तो आप अपडेट कर सकते हो बट यू कैन ऑल्सो इग्नोर दैट पार्ट ओके जस्ट इंस्टॉल दिस वन पिप इंस्टॉल पेड राइट ओके सो आई एम गोइंग टू हियर एंड Just open here new terminal. Okay, click here and enter. Just wait. Okay, it will take some time. And now move to our next step that is uh, install this one playwright install. Just copy again this one and come here. Or oh, scope directly in Shawning What you will do, just type here Python. Okay, M, and now copy the same command. Okay. पाइथन एम प्ले राइट इंस्टॉल जस्ट एंड दट एंड वेट इट विल टेक अगेन सम टाइम सो नाव यू आर डन विथ आवर इंस्टॉलेसन पार्ट और हम कुछ टेस्ट केस रन कर सकते हैं ओके जस्ट विन माई दिस वन सो इसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है एंड यू कैन ऑल्सो गेट दिस कोड फ्रॉम देयर डॉक्यूमेंटेशन सो यू विल फाइन दिस कोड ईयर ओके सो सेम कोड मैंने यहाँ पर पेश करा था सिंपल just on this one and see what happens just I am going to click here just wait so what is meaning of this test case so basically i have playwright play right is website ko open kar raha hai okay and iska jo screenshot hai usko capture karke wo save kar raha hai is location pe example basically ye location yahan pe jo same folder hi hai you can see example chromium example firefox example webkit so yahan pe aap dekhoge to yahan loop hai okay तो so, basically यहाँ पे क्या हुआ है कि one by one, प्रोमियम में इस वेबसाइट को open किया जाएगा okay? और इसका स्क्रीन इस इस स्क्रीन शॉट हम सेव कर लेंगे एग्जांपल, फिर यहाँ पे हम इसे फायरफॉक्स में ओपन करेंगे यहाँ पे वेबकिट में ओपन करेंगे यू विल सी थ्री डिफरेंट फाइल्स ओके डॉट पी एक्सटेंशन एंड आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो जस्ट ओपन योर फोल्डर ईयर सो आई एम ऑलरेडी ओपनड ईयर ओके और यहाँ पे आप देखोगे तो तीन फाइल है सो आई एम गोइंग टू ओपन वन बाई वन सो आई एम जस्ट डबल क्लिक ईयर ओके सो ये अपना क्रोमियम से आया है ओके दिस वन इज फ्रॉम क्रोमियम एग्जाम्पल क्रोमियम डॉट पी एन जी देन सेकंड वन इज फायरफॉक्स एंड दिस वन प्ले वेबकिट ओके यू विल सी यर दिस कोड ओके बट अपने को कोड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर बहुत अच्छा फीचर क्या है आपको जो भी एक्शन कॉपी करने हैं मिमिक करने आप उसे बस परफॉर्म करो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होकर कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हाउ यू कैन डू दिस वन जस्ट यूज द कोड जन फीचर ऑफ़ प्ले यू कैन ऑल्सो फाइंड मोर डिटेल रिगार्डिंग कोड जनरेटर ऑन देयर डॉक्यूमेंटेशन सो यू जस्ट गो ईयर एंड क्लिक ईयर टेस्ट जनरेटर ओके जस्ट ओपन दिस टेस्ट जनरेटर एंड यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोड जेन सो यहाँ पे आपको कमांड रन करना है दिस वन प्ले राइट कोर्ड जेन दिस वन ओके सो हाउ यू कैन रन दिस वन सो इन माई केस बेसिकली यहाँ पे आपको रन करना होगा पाइथन ओके पाइथन एम यू एव टू ओ ओपन दिस वन एंड प्ले राइट कोट जेन एंड बेसिकली ये यू आर एल ओके यू आर जो कि जस्ट ओपन होगा अभी आपको अभी आइडिया मिल जाएगा फाइन जस्ट कॉपी दिस वन यूर सिस्टम इन माई केस पाइथन इंस्टॉल इन दिस लोकेशन सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस वन ओके एंड जस्ट एंटर्ड अब यहाँ पर दो विंडो ओपन होंगी एक विंडो होगा अपना ब्राउजर का ओके एंड सेकेंड इजे बेसिकली जनरेटर सो यू कैन सी दिस वनजे बेसिकली रिकॉर्डर यू कैन से और इंस्पेक्टर यू कैन से एंड यहाँ पे इसको मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ और ये ब्राउजर है ओके और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो जो आपने यहाँ पे यू ऑल पास किया था दिस वन सेम यू ऑरल यहाँ पर ओपन हुआ है तो बेसिकली ये मैंडेटरी सॉरी जैसे बेसिकली एक तरह से ऑर्गोमेंट है ओके okay, आप इसे जो भी पास करोगे बाई डिफॉल्ट ये ब्राउजर इस यू में ओपन होगा ओके okay? अब यहाँ पर जो भी एक्टिविटी आप करोगे लेट से आ लेट से क्लिक ईयर ओके एंड जस्ट यू कैन सी ईयर वाट नीड टू डन मतलब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया है यहाँ पर यहाँ पे कोड राइट हो गया सो so, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ आई एम गोइंग टू ओपन एन एस सी इंडिया ओके जस्ट टाइप ईयर एन एस सी इन इंडिया डॉट कॉम अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा यू विल सी ईयर यहाँ पे एन एस सी इंडिया ओके यू विल सी ईयर ऑन राइट साइड यहाँ पे एन एस सी इंडिया का यू आर एल ऐड हो गया है ओके इन रिकॉर्डर अब यहाँ पे मान लो कि मेरे को जस्ट वेट टू डाउनलोड एवरी थिंग फाइन अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मार्केट डेटा ओके मार्केट डेटा वी विल सी यर राइट साइड में देखते रहो यहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं ओके okay. फिर आपको यहाँ पे जाना है लेट okay. से डेली मार्केट रिपोर्ट ओके एंड आई थिंक ये एक्सर डिनाइड हो गया ओके नो प्रॉब्लम बेसिकली मेरा पॉइंट बस आपको ये एक्सप्लेन करना था कि यहाँ पर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो यहाँ पर ये इसका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो रहा है ओके इन सिमिलर वे हम ऑफ स्टॉक के जो भी हमने एक्टिविटी की टीपिन ओके एंड ओ उसको हम यहाँ प्रोसेस करेंगे और उसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे सिंपल सो so, अब हम क्या करने वाले हैं हम सेम मोड ओपन करेंगे बट इस बार हम जो अपने स्टॉक की जो अपना मेन पर्पज़ है उसे चेक करने वाले ओके अगेन जस्ट रन द सेम कोड ईयर ओके एंड इस बार मैं जो अपने स्टॉक की यूआरएल थी उसको ओपन करने वाला हूँ ओके okay? तो मुझे पहले उसे कॉपी करना होगा सो आई एम गोइंग टू कॉपी द यूआरएल हियर दिस इज यू ओके सो जस्ट सॉरी दिस वन आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस वन ओके

सो so, यहाँ पे हम टी ओ टी पी एंटर करेंगे टी ओ टीपी कैसे आएगी हम पाई ओ टी पी यूज कर लेंगे और मैंने इसको मल्टीपल टाइम यूज किया इसको भी हम देखेंगे कोड में ओके okay? बस लेट्स से कि यहाँ पे अपनी ओ टी पी एंटर कर देंगे ओके सो आई एम गोइंग टू एंटर यस ओ टी पी अगेन कंटिन्यू एंड देन इंटर योर सिक्स डिजिट पिन सो दैट इज फिक्स वन ओके एंड जस्ट कंटिन्यू एंड आई विल गेट योर कोड ओके अभी जो भी हमने एक्टिविटी की इसका जो कोड था यहाँ पे आ चुका है ओके यू विल सी सीयर यहाँ पे कोड कंप्लीट आ चुका है सो व्हाट यू कैन डू जस्ट वॉच दिस वन एंड कॉपी द होल थिंग ओके जस्ट कॉपी एंड कम बैक हियर एंड पेस्ट हियर, दिस इज कंप्लीट कोड जनरेटेड बाय प्ले राइट और अपने को यहाँ बस अपने कुछ पैरामीटर्स चेंज करने हैं और ये पूरा ऑटोमेशन अपना सेट हो गया है ओके okay? सो so, यहाँ पे अभी मेरे को दो चीज़ें रिमूव करनी है ओके okay, ये तो बेसिकली डेमो के देता पहले अपने को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा यू आर एल ओके फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिडाइट हो जाएगा सिंपल फिर आपको एंटर करना मोबाइल नंबर तो so, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पास करना पड़ेगा देन यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या था ओ टी पी तो ये आपको यहाँ पास करना पड़ेगा पाई ओ सिंपल देन थर्ड स्टेप क्या था सिक्स डिजिट पिन तो यहाँ पर आपको एंटर करना है सिक्स डिजिट पिन उसके बाद हम कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे एंड देन अपने को मिल जाएगा कोड यू में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट कोड जनरेट हो चुका है ओके अब कुछ चीज़ आप ऐड करनी है जैसे कि कैसे हम ज्वेलर से कोड फेच करेंगे ओके और यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे चीज़ें फ़िक्स है इसको अपने को पास करना है वेरिएबल में ओके तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया कैसे प्लेट को इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं अब मैंने क्या किया है कि मैंने इस पूरे प्रोसेस को ऑलरेडी कोड कर रखा है ओके तो मैं आराम कम्प्लीट कोड पर जो फाइनल कोड है ओके दिस इज आवर कम्प्लीट कोड फाइन तो अब मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा है तो जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स है जो फिक्स थे ओके उसको हमने यहाँ पे वेरिएबल में असाइन कर दिया ओके जैसे कि अपना पिन ओके पिन देन टी ओ टी पी की इसके लिए हम पाई ओ टी पी यूज करेंगे ये बहुत ही कॉमन है अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे हम जनरेट करते हैं इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड यहाँ पे आपका जो यू आर एल है ओके ये कैसे जनरेट होगा तो ये मैंने आपको पार्ट वन एक्सप्लेन कर रखा है ओके तो इसे मैंने आपको रिकमेंड किया कि पार्ट वन देख लो वहीं से सेम चीज़ मैंने यहाँ से पिक कर रखी है और यहाँ पे एक और फाइल है कन्फिक सो दिस इज़ कन्फिक फाइल और यहाँ मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी किए मोबाइल नंबर पिन और सीक्रेट की ई की आपको यहाँ पर एंटर करना है ओके सो ना एम गोइंग टू रन द कोड एंड सी सीयर द लास्ट रिजल्ट इज एक्सेस टोकन जस्ट रन दिस एंड वेट सो ना दिस इज योर एक्सेस टोकन एंड दिस इज योर कोड ओके बेसिकली लास्ट में जो अपने कोड मिलता था ये कोड है और यहाँ से मैंने इसको फिच करके ये एक्सेस टोकन जनरेट कर दिया यहाँ मैंने हेडलेस ट्रू का रखा था दैट्स मीन कि यहाँ पे आपको कोई यू ओपन नहीं होगी नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओके बहुत ही सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ अगर आप इसे फॉल्स कर दोगे okay, अब क्या होगा आप okay? so sure आपको यहाँ पे ब्राउजर दिखेगा ओके जस्ट रन द सेम कोड अगेन ईयर एंड सी वाट हैपन सो जस्ट मेक श्योर आपको हेडलेस ट्रू रखना है या फॉल्स इट्स अप टू यू अगर आप क्लाउड पर रन कर रहे हो तो मेक श्योर इट्स अ ट्रू और आप अपने सिस्टम पर रन करो तो फॉल्स भी कर सकते हो बट इसे कोई जरूरत नहीं है ओके यू विल सी 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 ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है यहाँ पे नंबर एंटर होगा अभी यू कैन सी ईयर नंबर एंटर हुआ अब ओ टी पी एंटर होगा जस्ट वेट ओ टी पी एंटर हुआ पिन एंटर हुआ एंड जस्ट रन एंड ना यू विल सी ईयर एक्सेस टोक फाइन डन सो ये प्रोसेस था कंप्लीट कैसे आप ऑफ स्टॉक के ऑटो लॉग इन प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो और कैसे आप प्ले यूज़ करके मल्टीपल चीजें कर सकते हो मैंने आपको प्ले का एक बहुत ही सिंपल सा एक्जाम्पल एक्सप्लेन किया इसके बहुत ही यूज कर सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यूज फूल मै नेक्स्ट वन वो वउट बाय